हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फुकासिया ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ईस्ट को फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। 1.5 टीस्पून ईस्ट ले लिया है, ये ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है और हमने इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल दिया है और लगभग हाफ कप हमने इसमें वार्म वाटर डाला है। इसमें डालकर इसे मिक्स कर हम इसे ढककर थोड़ी सी वार्म प्लेस पे रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें 1.5 कप हम मैदा ले रहे हैं। आप इसकी जगह आटा के साथ भी आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। और हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी चिली फ्लेक, इन सबको डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारा ईस्ट कितनी अच्छी तरीके से फर्मेंट होकर रेडी हो चुका है। तो हम इस ईस्ट को इसमें डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। ये थोड़ी सी लसलसी सी बनेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड डो हमें इसे नहीं बनाना है। और जितनी और पानी की ज़रूरत पड़े उतना आप डाल करके इसे आप एक डो बना लें। आप देख रहे होंगे डो जो है वो थोड़ी सी लसलसी सी हो रही है। तो जब भी आपके हाथ में बहुत ज़्यादा लगने लगी तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथ में ले लें और फिर आप इसे गूंथ लें। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट नरम सी आटे को गूंथ कर हमें रेडी कर लेना है और इसे हम क्लिंग रैप से कवर करके इसे लगभग 1 घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसे आप हल्की सी वार्म प्लेस में रखें तो ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगी। डो को रखे हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं और आप देख रहे होंगे ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुकी है। तो हम इसके क्लिंग रैप को हटा देंगे और इसे पंच कर इसकी जो एयर है उसे हम निकाल देंगे और इसे वापस से फिर हम थोड़ा मिला लेंगे। आप इसमें हल्का सा ऑयल डालते हुए आप इसे मिक्स कर लें। इसे हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और अब हमने यहाँ पे मोल्ड रेडी कर लिया है। मोल्ड पे हम अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और डो को कुछ इस तरीके से हम मिलाते हुए इसमें डाल देंगे और हाथों से उंगलियों की मदद से हम इसमें फैला देंगे। आप टीन को अच्छे से ग्रीस कीजिएगा या बटर पेपर लगा लें तो बहुत आसानी से ब्रेड निकल आएगी। और अब हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ओनियन को कट करके रखा है, बिल्कुल पतली पतली सी हमने स्लाइस कट करी हुई है, इसे हम स्प्रेड कर देंगे। कुछ लहसुन है जिसे हमने बारीक कट किया हुआ है, इसे भी मैं फैला दूंगी। शिमला मिर्च, आप अपनी पसंद के और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। शिमला मिर्च आप डिफरेंट कलर्स की भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ टमाटर डाले हैं, टमाटर का सीड हमने निकाल दिया है। और एक कुछ एल्पिनोज हैं, उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। वेजिटेबल्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिली फ्लेक और ऊपर से ऑलिव ऑयल को हम ड्रिजल कर देंगे और इसे हम लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हमने अवन को भी प्रीहीट कर लिया है। 180 डिग्री सेल्सियस पे हम अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। अब अवन हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसे अवन में डाल दूंगी और साथ ही साथ आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा पानी या आइस डालकर आप इसमें डाल दें। ये करने से आपका जो ब्रेड है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और मॉइस्ट रहेगा। और इसे लगभग मैं 15 से 18 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। ये आपके अवन के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आपका अवन किस तरीके का है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। बेक होने के बाद लगभग आप इसे 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद अवन से निकाल कर हम इसे डिमोल्ड करेंगे। इसके साइड को हमने थोड़ा रिलीज कर लिया है और अब हम इसे पलट कर ब्रेड को डिमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी आसानी से डिमोल्ड हो चुका है। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखिए आप देख रहे होंगे ये कितनी सॉफ्ट है और ये बिल्कुल बाउंस कर रही है। इसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो वापस से ये अपने साइज़ पे वापस आ जा रही है। और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुई है। आप इसे ऐसे ही प्लेन भी खा सकते हैं या आप किसी सॉस के साथ, किसी डिप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। या आप चाहें तो इसके ऊपर बटर लगा कर भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से कंज्यूम करना चाहते हैं। अपने आप में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स पर लिखकर जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।